हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि है गर्भ निरोधक गोलियों से होने वाले फ़ायदे के बारे में। अभी तक आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि अगर गर्भ निरोधक गोलियाँ खाएंगे, यानी कि उसी पिल्स, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो 21 दिन की जो गोलियाँ होती है, उनको खाने से सिर्फ नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। बट अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे तो हम आपको उसके कम से कम 10 से 15 फ़ायदे हम बताने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए गर्भ निरोधक गोलियों के फ़ायदे जानने के लिए। सबसे पहला फ़ायदा है गर्भ निरोधक गोलियों का, कि जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, गर्भ निरोधक, यानी कि अगर आप ये गोलियाँ प्रॉपरली टाइम से लेती हैं, रेगुलर लेती हैं, तो आपको अनचाहे गर्भ से, अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप फ्री रहेंगी, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी, और उसके आगे होने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है आपको, तो फिर आपको मेंटल टेंशन होगी। उसके बाद में अगर आपको उसको बच्चा नहीं चाहिए आपको, तो आपको अबॉर्शन का प्लान करना पड़ेगा, यानी कि आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, फिर आपको MTP पिल्स लेनी पड़ेगी या DNC करानी पड़ेगी। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से सिर्फ एक गोली रोज़ खाने से आप फ्री रह सकती हैं। तो ये मानते हुए बहुत बड़ा फ़ायदा है। आई थिंक गर्भ निरोधक गोलियाँ लेने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है पीरियड्स को टाइम करना, यानी कि पीरियड्स रेगुलर करना। अगर किसी भी लेडी के पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्भ निरोधक गोलियाँ बहुत अच्छी दवाई हैं जो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देती हैं। यानी कि अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसी पिल्स लेती हैं, तो आपका पीरियड जब आप चाहेंगी तब आएगा, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जब भी गोली ख़त्म होगी, यानी 21 दिन की गोली पूरी फिनिश होने के बाद, अगले एक से दो दिन के बाद आपको पीरियड आने वाला है। अगर अब आप ये नहीं चाहती कि आपको अगले एक से दो दिन के अंदर पीरियड आए, तो आप जैसे ही पहला पैकेट ख़त्म होता है, तुरंत दूसरा पैकेट आप चालू कर दीजिए, जिससे कि आपका पीरियड नहीं आएगा, और जब आपको पीरियड चाहिए तब आप उस गोली को स्टॉप कर दीजिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पीरियड एक हफ़्ता पोस्टपोन हो जाए, या दो हफ्ते पोस्टपोन हो जाए, या 5 दिन आपको पोस्टपोन करना है, तो आप इन गोलियों से आराम से, ईजीली, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के अपना टाइम को आप रेगुलराइज कर सकती हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इन गोलियों को लेने का है कि जब भी आपका पीरियड आएगा, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आएगा, यानी कि 3 से 4 दिन के लिए आता है, जो कि एक नॉर्मल टाइम शेड्यूल है पीरियड्स के लिए। क्योंकि किसी किसी महिला को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, जैसे कि 5-6 दिन आ रहा है या ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो ऐसी लेडीज़ को हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज अ ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आप पहले से ही अगर ये गोलियाँ ले रही हैं, तो आपका पीरियड हमेशा टाइम पर आएगा और बहुत ही कम समय के लिए, यानी कि जो रेगुलराइज ब्लीडिंग का टाइम है, उतनी ही दिन तक आएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का चौथा फ़ायदा कि आपको पीरियड्स में पेन नहीं होगा, क्योंकि जो पीरियड्स में पेन होता है वो अंडा बनने और फूटने के कारण होता है, और गर्भ निरोधक गोलियों का जो मैकेनिज्म है काम करने का, वो अंडा बनने को रोकना है। यानी कि जब भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो आपको अंडेदानी के अंदर अंडा नहीं बनता है, जिसके कारण बच्चा नहीं लगता है, लेकिन अंडा नहीं बनने के कारण ही पीरियड्स में पेन भी नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने का, कि आपका पीरियड्स में पेन नहीं होता। बहुत सारी लेडीज़ को बहुत पेन होता है, उनको पेन किलर टेबलेट्स खानी पड़ती हैं, उनको काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, इसके अलावा घर के काम भी आराम से नहीं कर पाती हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो ये सारी परेशानियों से आप सिर्फ एक गोली खा के फ्री रह सकती हैं। अभी तक आपने OC पिल्स के 4 फ़ायदे के बारे में जान लिया है। पहला कि यानी गर्भ निरोधक गोलियां हैं तो गर्भ निरोध का काम करेंगी, दूसरा आपका पीरियड्स टाइम पे आएंगे, ब्लीडिंग कम होगी, चौथा फ़ायदा कि आपको पीरियड्स में पेन नहीं होगा, और पांचवा फ़ायदा पीरियड्स में क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि पूरे महीने भर कंटिन्यूस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की गोली लेने से, यानी कि ओसी पिल्स लेने के कारण, अंदर का जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, इसका ग्रोथ कम होता है, और ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर शेड ऑफ होने के कारण ही पीरियड आता है। जब इस लेयर का थिकनेस कम होगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग भी कम होगी, यानी कि आपके शरीर में ब्लड लॉस बहुत कम होगा, और अगर ब्लड लॉस कम होता है, तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बना रहेगा, और जो कि आपके लिए बहुत एनर्जी का काम करता है। क्योंकि किसी भी लेडी को अगर बहुत ब्लीडिंग होती है, तो उसको कमज़ोरी महसूस होती है, उसको घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और उसके रिप्लेसमेंट में
फिर उन्हें आयरन की गोलियां खानी पड़ती है, और आयरन के साथ में विटामिन सी, विटामिन B12 और प्रोटीन, ये सब चीज़ें भी खानी पड़ती है ताकि शरीर में ब्लड की मात्रा यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाई जा सके। तो अभी 4-5-6 गोलियां आपको खानी है या सिर्फ एक गोली खानी है, फैसला आपका है। छठा सबसे बड़ा फ़ायदा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने का, हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ है कि कहीं इन गोलियों को खाने से मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, यानी मुझे कोई कैंसर की बीमारी तो नहीं हो जाएगी। बट आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अगर आप ओसे पिल्स 1 से 1.5 साल तक लगातार कंटिन्यूस खाती हैं तो अगले 5-6 साल के बाद या आपकी लाइफ में आगे ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क नॉर्मल रिस्क से आधा हो जाता है, यानी कि 50% हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा फ़ायदा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने का, यानी कि आप ओवेरियन कैंसर के चांसेस आधे कर रही हैं सिर्फ एक गोली खाकर। अगला फ़ायदा इन गोलियों को खाने का, अंडेदानी में किसी प्रकार की ओवेरियन सिस्ट नहीं बनती है, क्योंकि जब भी ओवेरियन सिस्ट बनती है तो उनके ट्रीटमेंट में ये गोलियाँ ही दी जाती है, जिससे कि बनी हुई गांठ का भी ट्रीटमेंट होता है, यानी कि उसे सप्रेस होती है, बैठ जाती है, ठीक हो जाती है। तो अगर आप ये गोलियाँ कंटिन्यूस खाते हैं तो आपके अंडेदानी के अंदर अंडा नहीं बनता है, और अंडा बनने के कारण ही ओवेरियन सिस्ट बनती है, कि जो अंडा फूटता नहीं है और पानी की गांठ के टाइप में बड़ा हो जाता है, फैल जाता है और गुब्बारे की तरह फूलने लगता है, जो पेट में दर्द करती है और जिससे हमें पता चलता है कि आपकी ओवेरियन सिस्ट बन गई है। तो इस तरीके से आप एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की एक गोली रोज खाकर ओवेरियन सिस्ट से भी अपना बचाव कर सकती हैं। अगला बहुत बड़ा फ़ायदा है टीनएजर्स को, यानी कि आजकल के टीनएजर्स में PCOD नाम की बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है, और PCOD में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसमें अंडे बनते तो हैं लेकिन अंडे फूटते नहीं हैं, जिसकी वजह से अंडे दाने के अंदर इस तरीके की छोटी 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 कई सारी गांठें बन जाती है, जिनको कि सिस्ट बोला जाता है। तो पॉलीसिस्टिक, यानी कि पॉली का मतलब खूब सारी, पॉली खूब सारी गांठें बन गई तो पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो गई। तो उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी ओसी पिल्स ही दी जाती हैं। तो यानी कि अगर आप ओसी पिल्स खाती हैं तो आपको PCOD काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और साइमल्टेनियसली आपको बहुत सारे जो बेनिफिट हमने बताए हैं वो भी साथ साथ आपको मिलते रहेंगे। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा, ये गोलियां खाने से आपके हार्मोन्स के लेवल बहुत कंट्रोल में रहते हैं, और शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल कंट्रोल रहता है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, जो कि फेस पे पिंपल्स होने का कारण होता है। तो अगर आप ये गोलियां खाती हैं डेफिनेटली तो आपके चेहरे पे पिंपल्स बहुत कम होंगे, और मैं ये समझती हूँ कि हर फीमेल ये चाहती है कि उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई भी दाग ना हो और कोई भी पिंपल ना बने, तो सब फ्लॉलेस चेहरा चाहती हैं। तो ये गोलियां आपके इसमें बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं टीनएजर्स के लिए। तो खासकर हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर वो 21 डेज़ वाली ये गोलियां खाती हैं तो डेफ़िनेटली उनको मल्टीपल बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि टीनएजर्स में पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, और साथ में उनको एक्नीज बन जाती हैं, चेहरे पे अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक गोली खाने से आप फ्री रह सकती हैं। और आजकल के एक टाइम में आजकल लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो अगर उनको ये सारे बेनिफिट के साथ कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब आप जान गए होंगे कि इन गर्भ निरोधक गोलियों के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो एक बार हम रिवाइज़ कर लें कि क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला, गर्भ निरोधक गोलियाँ, यानी कि ये आपको कॉन्ट्रासेप्शन देती है, अनचाही प्रेगनेंसी से आपको मुक्ति देती है। दूसरा फ़ायदा, आपका पीरियड बिल्कुल टाइम पे आएगा और आप पीरियड को रेगुलराइज कर सकती हैं। तीसरा, आपका पीरियड के टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत कम होगी। फोर्थ, पीरियड की ड्यूरेशन बहुत कम होगी, यानी 3 से 4 दिन जो नॉर्मल पीरियड का ड्यूरेशन है वही रहेगा। फिफ्थ, आपको PCOD की प्रॉब्लम से बचाएगा। चौथा, आपको ओवेरियन कैंसर से बचाएगा। फिर आपको ओवेरियन सिस्ट से बचाएगा। इसके अलावा आपके पिंपल्स और एक्नीज को रेगुलराइज करेगा, और आपके चेहरे पर बहुत सारा ग्लो भी देगा। एक मिथ है हमारे दिमाग में कि ओसी पिल्स खाने से या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने से हमारा शरीर का मोटापा बढ़ जाता है। तो किसी किसी लेडीज़ का वेट बढ़ता है, लेकिन ये पहले वाली जो हाई डोज गोलियाँ होती थी उनमें ज़्यादा होता था, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो डोज था पुरानी गोलियों में वो 50 माइक्रोग्राम था। अभी जो नई गोलियां आ रही है उनमें 30 माइक्रोग्राम या 20 माइक्रोग्राम और 15 माइक्रोग्राम भी है, और उनका जो काउंटर पार्ट है प्रोजेस्टेरोन वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के आने लगे हैं,
जिससे कि इन गोलियों का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो एज सच इनसे ओबेसिटी नहीं होती है, यानी कि आपके शरीर का वज़न नहीं बढ़ता है, ये केवल एक मिथ है और इनसे बहुत सारे फ़ायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। इसलिए कभी भी जब आपको चूज़ करना हो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो आप नंबर वन पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ कर सकती हैं, बशर्ते एक बार अपने डॉक्टर से आप ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि इनके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं कि किसी किसी बीमारी में इन्हें काम में नहीं लेना होता, जैसे कि आपको हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर हाइपरटेंशन है, या फिर आपको आपका एज 35 ईयर से ऊपर है। तो इस तरीके के तीन चार कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो एक बार आप अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लें, फिर डॉक्टरी सलाह के साथ ही गोलियां शुरू करें। लेकिन अगर आप एक बार शुरू करती हैं तो फिर आप इन्हें कंटिन्यू रखिए और बीच बीच में अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, सलाह लेते रहिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह हर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे चैट बॉक्स में नीचे लिख सकती हैं। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें, और फिर आपसे नए वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।